बच्चों को सबसे पहले है कि ठंड में माँ को जो है ना अपने गोद में रखना चाहिए, सीना से सटा कर रखना चाहिए, सीने में दबा कर रखेगी, सटा कर रखेगी, तो उससे है कि बच्चे को जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ठंड के दिन। यही है कि अगर घर में किसी को खांसी सर्दी है तो उसे अवॉइड करना है, मास्क का यूज़ करना है, बच्चे बीमार है उनसे थोड़ा सा अलग, पेरेंट्स हैं कि शौक से दूध बोतल का पिलाना शुरू कर दें, ओपन निपल से पिलाना शुरू कर दें, ये चीज़ को अवॉइड करना है। मदर जो है कम से कम 6 मंथ तक सबसे बढ़िया कि ये विटामिन D3 की कमी से होता है। अभी पेरेंट्स जो है बच्चों सबको धूप में ही नहीं निकलने देते हैं, तो धूप में जो है विटामिन D3 मिलती है, तो D3 मिली नहीं उसको तो हड्डी में कम पेन होगा, हड्डी कमजोर होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे घरेलू इलाज है धूप में 1 घंटा सुबह शाम छोड़ी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तो सबसे बढ़िया है कि लोगों को जो है एक तो आई साइट जो है सबसे पहला प्रॉब्लम के आई साइट बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में चश्मा लग जा रहा है, आँख की प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा भी हैबिचुएट हो रहा है, बिना मोबाइल के वो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई चीज़ है माँ कहती है बहू मोबाइल देख लो। नमस्कार, मैं आज और अभी हमारे साथ बात करने के लिए शिशु चिकित्सक डॉक्टर नौशाद आलम है और उनसे बात करेंगे कि ठंड में अक्सर बच्चों की बीमारी बढ़ जाती है, उसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं कि कैसे बचाया जा सकता है बच्चों को। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों को सबसे पहले है कि ठंड में माँ को जो है ना अपने गोद में रखना चाहिए, सीना से सटा कर रखना चाहिए, सीने में दबा कर रखेगी, सटा कर रखेगी, तो उससे है कि बच्चे को जो है टेम्परेचर मेंटेन रहेगा ठंड के दिनों में और बीमार कम पड़ेगा। बाकी तो कपड़े की जो है वो ज़रूरत तो है ही है, कान में टोपी लगा कर रखना है। बच्चों में देखा जाता है कि नमोनिया हो जाता है ठंड में, सर्दी बुखार इस तरह की आम बीमारियाँ जो है शुरू हो जाती है ठंड होते ही, तो उसके लिए जो उपाय होता है घरेलू क्या करना चाहिए? घरेलू उपाय यही है कि अगर घर में किसी को खांसी सर्दी है तो उसे अवॉइड करना है, मास्क का यूज़ करना है, बच्चे बीमार है उनसे थोड़ा सा अलग रहना है, और अपना घर पे जो है साफ सफाई का रखना, इम्यूनिटी का जो है बच्चे को जो है 6 मंथ से जो छोटा है माँ का फीड कराना है, हर 2 घंटे पे फीड कराना है, यही सब है। बाकी जो है साफ सफाई का ध्यान रखना है। माँ जो है दूध जो पिलाती है उससे 2 फायदे हैं, एक तो इम्यूनिटी बना रहता है बच्चों में, बीमार कम पड़ेंगे, दूसरा कि बच्चा हेल्दी रहेगा। बाहर का दूध में है कि कुछ ना कुछ उसमें मिला ही रहता है, 100% आपको माँ के दूध की तरह नहीं मिलेगा। दूसरा है कि माँ के दूध दुनिया में उसके तरह कोई चीज़ नहीं है, जितना माँ के दूध में खूबी है उसमें जितना भी कहा जाए कम, इसलिए माँ ही दूध पिलाए तो बेटर है। अच्छा, कई बार देखा जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं रात में सोते हैं तो उनके पैर में दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आ पाता है कि आखिर बीमारी क्या है, प्रत्येक दिन उनके रात में पैर दर्द होना, इसको क्या कहते हैं और कैसे ठीक होता है? देखिए, ये सबसे बढ़िया कि ये विटामिन D3 की कमी से होता है। अभी पेरेंट्स जो है बच्चों सबको धूप में ही नहीं निकलने देते हैं, तो धूप में जो है विटामिन D3 मिलती है, तो D3 मिली नहीं उसको तो हड्डी में कम पेन होगा, हड्डी कमजोर होता है, तो इसमें कुछ करना नहीं है। जैसे घरेलू इलाज है धूप में 1 घंटा सुबह शाम छोड़े उसी से ठीक रहेगा। हम लोग पास आता है कि बच्चा जो है रात में बराबर उठ के रोने लगता है, बोलता है पैर में दर्द है, तो वही कैल्शियम विटामिन D3 से ही ठीक हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो है कि धूप में छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कैल्शियम देना पड़ेगा। यानी अक्सर जो गाँव के बच्चे होते हैं स्वस्थ होते हैं ज़्यादातर, शहर के बच्चों में इस तरह की ज़्यादा समस्या आती है, तो गांव भी ज़रूरी है, गांव का एनवायरनमेंट भी बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, गांव के बच्चे थोड़ा शहर के बच्चों से जनरली जो है स्ट्रांग होते हैं, इसलिए कि गांव में बच्चे खेलते भी हैं कूदते हैं, शहर में अभी जगह की कमी है, दूसरा के पेरेंट्स इतना अवेयरनेस हो गए बच्चों को कहीं जाने नहीं देते, घर में रहो मोबाइल देख लो, मोबाइल भी सबसे बड़ी समस्या है, छोटे बच्चे हमारे माँ कहते हैं कि बिना मोबाइल के खाना ही मोबाइल नहीं खाता। की आज शौक मतलब बच्चों को शौक हो गया, इस पर भी बात इसलिए करेंगे कि कितना खतरनाक है ये मोबाइल बच्चों को देखना, बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक तो सबसे बड़ी है कि वो लोग को जो है एक तो आई साइट जो है सबसे पहला प्रॉब्लम के आई साइट बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों में चश्मा लग जा रहा है, आँख की प्रॉब्लम हो रही है, दूसरा भी हैबिचुएट हो रहा है, बिना मोबाइल के वो कुछ कर ही नहीं रहे, कोई चीज़ है माँ कहती है बहू मोबाइल देख लो खाना खा लो, तो उससे वो दिक्कत है, आगे चल के उसको बहुत सारा प्रॉब्लम हो, बिना मोबाइल के आज 5 साल 6 साल का बच्चा मोबाइल चला रहा है, तो ये सब ठीक नहीं है। ठीक है, बड़ा होगा अपना पढ़ेगा लिखेगा मोबाइल यूज़ करेगा। तो चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए शिशु चिकित्सक डॉक्टर नौशाद आलम थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बच्चों को ठंड के मौसम में है उसमें बचाने की ज़रूरत है, और ख़ासतौर से जो बच्चे मोबाइल पर हैबिटुएट हो जा रहे हैं उनको इन सब चीज़ों से बताया